Chinchow! जिस मंजिल में सभी जा रहे हो वहाँ सफ़र थोड़ा इंग्लिश वाला हो जाता है। अगर हिंदी वाला सफ़र करना है तो ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ थोड़ा सुकून हो, सुंदरता काफ़ी हो लेकिन भीड़ थोड़ी कम हो और जहाँ के लोगों का दिल काफ़ी बड़ा हो। सो चलिए हमारे साथ ऐसी खूबसूरत जगह पे जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे प्लेसेस टू विजिट, थिंग्स टू ईट एंड ऑल दिस इन अ बजट। So let's go to Ninbin, which is a beautiful alternate to Heilong Bay, जहाँ पे भीड़ थोड़ी ज़्यादा है। So guys, हम लोग अभी जा रहे हैं Ninbin और हम सुबह की हमारी 6 बजे की ट्रेन थी, 2 घंटे की Ninbin की ट्रेन चढ़नी है। So पैसे खर्च होने स्टार्ट हो गए हैं और इसको अपने स्क्रीन में अपडेट करते रहेंगे पर पर्सन के हिसाब से। ट्रेन काफ़ी नीट एंड क्लीन है एंड यहाँ पे वॉशरूम भी है, प्लस आपको खाने की सर्विस भी मिलती रहेगी। हमारे होटल से पैक करके दिया क्योंकि हम ब्रेकफास्ट मिस कर रहे थे। इसमें फ्रूट्स हैं, सैंडविच और एक बॉइल्ड एग है। तो गाइज़ अभी हम लोग Ninbin के रेलवे स्टेशन पे है और यहाँ से हमने अपनी टिकट बुक कर ली है बस टू दनांग और अब हमने यहीं से टैक्सी लिया। पता नहीं क्या लूट रहे हैं क्या है। नहीं पर हमें सबसे ज़्यादा सही लगा कि 2 बस का हमें टिकट पड़ा 10 लाख वियतनामीज डोंग और टिकट का इसका ट्रेन 120,000। हाँ तो 1.2 लाख। हमारी बस ट्रेन छूटने ही वाली थी, मतलब स्टेशन में सोने वाला था, हम अभी भी नींद से उठे नहीं है। राइट, हम भागे थे बस, मतलब मूवी सीन चल रहा था, हम भाग भाग के ले रहे थे और ये भी जो हमारे होटल वाले ने बताया था वही रेट है, तो इसमें हम जा रहे हैं। पीछे हमारा रेलवे स्टेशन है। हमारी फर्स्ट टैक्सी राइड है ये, चल के ख़त्म हो गया। मुझे लगता है कि Ninbin से हमें काफ़ी सारी टैक्सीज लेनी पड़ेगी क्योंकि पैदल का इतना ऑप्शन नहीं होगा। कुछ 10 मिनट की ड्राइव के बाद ही हमारी टैक्सी ने हमको हमारे होम स्टे पहुँचा दिया, विच इज़ Tamcock बुटीक गार्डन। इसका रिव्यू आप देख सकते हैं, लिंक अभी स्क्रीन पे है एंड इट इज़ अमेजिंग विद अ ग्रेट लोकेशन, सो यू मस्ट चेक इट आउट। यहाँ पे हमारा खर्चा जो हुआ वो स्क्रीन पे है ऑफ 2 नाइट्स। सो हमारे फर्स्ट डे की शुरुआत जो हुई थी वो एक मील के साथ हुई थी क्योंकि हमें काफ़ी भूख लग गई थी एंड हमारे होम स्टे के आसपास काफ़ी ऑप्शंस थे एंड वी फाइनलाइज्ड ऑन दिस ऑप्शन। चावल तो कैसे खाऊंगी मैं इससे, लेट मी सी। हाँ पर मैं ट्राई करती हूँ, बाहर के लोग तो बड़ी स्किलफुली खाते हैं। ये जो है कोल्ड राइस है। अच्छा मैंने चिकन बोल दिया था, कोल्ड का पीस ट्राई करती हूँ, पता रहेगा। अच्छे हो रहे हैं पोर्क की वजह से, इसमें एक स्टिकी सा जो है ना वैसा फ्लेवर है, टेस्टी हो रहा है। स्प्रिंग रोल्स मेरी वेरी फेवरेट है। उनका साइज देखो यार, स्प्रिंग रोल्स का कितना बड़ा साइज है और एकदम गर्म, अभी अभी बन गया है, बहुत ज़्यादा गर्म। आई कैन नॉट ब्रेक देम लाइक दिस, ऐसी खा के देखती हूँ इसमें डिप करके। जो वेजिटेरियन ऑप्शन है पर मुझे ऐसा लग रहा है इसमें एग है, तो आई थिंक एग भी जो यहाँ पे है वो, बिकॉज ये देखिए ना ये एग है, तो एग को ही वेजिटेरियन ही मानते होंगे इसलिए खाना अच्छा। ये 65 का है, ये 55, 15 हमें
अलावा एक कॉमचाय होता है यहाँ का, बहुत ही स्पेशलिटी, लोकल स्पेशलिटी है ये। एक वो जो होता है ना खुरचन चावल की, वो होती है ये। इन इंडिया वी हैव पापड़, इट्स वेरी मच लाइक पापड़, इट्स क्रिस्पी, इट्स वेरी नाइस। यस आई थिंक। कैसा पापड़? पापड़ ना साबुदाना पापड़। हाँ साबुदाना पापड़। तो आप सबको यहाँ पे आना है, फैमिली रेस्टोरेंट, सिर्फ नाम से ही नहीं है, इन्होंने बिल्कुल फैमिली की तरह हमें ट्रीट किया है। जो भी आपको चाहिए बहुत ही अच्छे से वो सर्व कर रही है, सबसे बात कर रही है और अपनी तरीके से जो है हमें और चीज़ें दे रही है। सो शी इज़ रियली द स्वीटेस्ट। तो गाइज हमें जो है इनकी ओनर जिससे आपको मिलवाया, उन्होंने हमें बॉटल्स भी दे दी है, दो दी है मैंने, एक बैग के अंदर रख ली। बट तो क्योंकि अभी हम जो है बोटिंग के लिए जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे वो ऑलमोस्ट 2 आवर्स का बोटिंग राइड होता है, तो उन्होंने हमें बॉटल्स भी दे दी। वो गाना याद आ रहा है, ये तो नहीं है इंसानों में, भगवान है। हम आ गए हैं टिकट काउंटर पे फॉर टॉम कॉक बोटिंग, और यहाँ पर अभी अपना टिकट लेंगे, पता करते हैं। वी वांट फुल एक्सपीरियंस जिसमें केव्स भी हो, एंड आई थिंक 1.5 या 2 आवर्स का है। ये देखो इन्होंने टोपी के जो है बल्ब बना दिए हैं। नेहा कैसा लगा आपको आइडिया? टोपी के बल्ब बना दिए ये लाइफ जैकेट जो है वो पहन रहे हैं। तो बोटिंग के लिए आपको पहले लाइफ जैकेट पहननी पड़ती है जो साइड में रहती है, उसके बिना तो आप नहीं जा सकते और जाना भी नहीं चाहिए। हम आ गए हैं अब बोट पे और हम जा रहे हैं टॉम कॉक के टूर पे, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है। इसके अंदर 3 केव्स इंक्लूडेड है, और इसका बोट का एंट्री फी 1,50,000 है, और साइट सीन का 120,000 है पर पर्सन। हाँ पर पर्सन। तो आपको जो फॉरनर्स हैं उसमें 2 फॉरनर्स का एक बोट ले सकता है। हाँ वियतनामीज लोग तो 4 ही एक बोट में आ सकते, तो हमको ये पड़ा है पूरा 3,90,000 का। वो इंडियन करेंसी में कितना हो बाद में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हमें एक तो एक्सपीरियंस करना है। हेलो भैया। हेलो सिंचाओ। अरे वो पैर से चला रहे हैं बोट। वाओ सो कूल। हमसे हाथों से नहीं चलाई जाती है, पैर से चला रहे हैं। सिंचाओ रॉकस्टार हो भैया। ये जो है हमारा रेस्टिंग एरिया है, यहाँ पे भैया ने हमको ड्रॉप किया था हमें फोटोज वगैरह के लिए जो बच गई हो। यहाँ से भी आप रॉक फॉर्मेशन देख सकते हैं, देखिए पेड़ हैं, ब्यूटीफुल। निनमिन में आप टॉमकॉक और ट्रायंगन दोनों में ही बोटिंग कर सकते हैं। वी चोज टॉमकॉक 1, इट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हम देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल फॉर्मेशन है इन साइट, बट अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। गाइज वो जो क्लाउड है ना, वो दिख ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चूहा नहीं होता जो कार्टून्स में दिखाते हैं, उसका स्नाउट है ये, और ये कुछ इतना सुंदर है। हाँ कहीं ना कहीं तो कॉर्न मूवी की शूटिंग भी हो रही है। हाँ इस पर्वत पे या कहीं पे शेप्ड है फॉर्मेशन, राइट। देखो कितना सुंदर लग रहा है पूरा का पूरा, हर जगह देखो, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो गाइस हमारी बोट राइड बहुत ही अच्छी रही यहाँ टॉमकॉक में, और हम एडवाइस करेंगे आपको कि आप भी शाम के वक्त ही आओ। 5 बजे तो टिकट काउंटर बंद हो जाता है,
तो हम 4:30 आए थे. हाँ आई थिंक 4 बजे सही रहेगा टाइम, 4:30 क्योंकि तब आप बिल्कुल सनसेट वाला राउट भी जो है वो आते वक्त वापस देख पाओगे और ऑलमोस्ट खाली होगा. हमारे चल रहे तो पूरा हमने बुक कर लिया, नॉट जस्ट द बोट एवरीथिंग एल्स. जैसे हैलोंग बे की जो हसल बसल है, एक क्रूज दूसरे क्रूज से टक्कर खा रही है, ये तो ऐसा लग रहा था कि हमारा प्राइवेट ही एरिया है वो पूरा. एक चीज़ और है, यहाँ पे जो बोट वाले हैं वो आपसे टिप मांगेंगे एट दी एंड. देखो आप लोग देख लिया, हमने नहीं दी बिकॉज हमें लगा हमने ऑलरेडी इतना स्पेंड कर दिया और ये तो इट्स पार्ट ऑफ द पैकेज, लेकिन आपका मन है तो आप दे सकते हो. जो फादर कुकिंग रेस्टोरेंट है ये भी बहुत ही फेमस है ननबिन का, लेकिन हमने जब रिव्यूज़ चेक करे तो इतने थोड़े मिक्स्ड रिव्यूज़ थे, तो हम थोड़ा सा पता नहीं यहाँ जाएंगे या नहीं, पर देखेंगे कभी ट्राई भी कर सकते हैं. और अगर किसी को इंडियन खाने का मन है और वेजिटेरियन ऑप्शन भी चाहिए तो इसके साथ ही ये नमस्ते रेस्टोरेंट है जहाँ पर जो है इंडियन रेस्टोरेंट है, तो यू कैन ट्राई दिस. तो एकदम ही ये जो बोटिंग के सामने आपको ये टामकॉक मार्ट भी मिल जाएगा, खाने पीने का बहुत सारा सामान आप देख सकते हैं कि बड़ी स्टोर है. तो अभी हम इसे चेकआउट करने वाले हैं. अभी हम लोग आए हैं इस कैफ़े में एंड इसका नाम क्या है अब इसके बाद दिखा रहे हैं. जिया बाओ. जिया बाओ. हाँ जिया बाओ कैफे. जिया बाओ कैफे. और यहाँ पे हम ड्रिंक्स पीने के लिए आए हैं और बहुत ही कूल चीज़ लगी कि यहाँ पे एग बियर मिलती है. तो इन्होंने पहले पूरा एग का फ्रॉथ रखा और उसके ऊपर हमने बियर डाल कर, बहुत ही यम्मी हो रही है, एकदम क्रीमी और अच्छी हो रही है. हाँ ये वाली कैमल बियर है और मैंने जो मंगाई है ये कोकोनट कॉफ़ी है और इसमें देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का फ्लेवर इन लोगों ने डाला है, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है. सिर्फ पी के देखते हैं ये. ओके ये ऐसी भी है. बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी एंड आई थिंक मोस्टली मेरी फेवरेट अभी तक की कोकोनट कॉफ़ी होगी क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का फ्लेवर है और ये तो बहुत ही अमेजिंग है. मैंने ऐसे कभी नहीं ट्राई किया है एग बियर. यार तू भी ट्राई कर, बहुत ही क्रीमी है. मुझे लग नहीं रहा पहले तो बियर पी रही हो लेकिन ऑब्वियसली उसका हिट भी आ रहा है. कितना क्रीमी है ये, इट्स लाइक अ डिजर्ट ऑल्सो. इट्स रियली नाइस. स्पून भी दिया है, देखो कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका. मॉर्निंग मेंट अमेजिंग ब्रेकफास्ट एट आर स्टे एंड देन वी वेंचर्ड आउट. हमारी ग्रैब आ चुकी है, 3 मिनट में आ गई. हेलो हेलो. तो हमने जो है ग्रैब ले ली है क्योंकि यहाँ पे बारिश ऐसा लग रहा है कि हमें हो यहाँ पे हो जाएगी, फिर हमारा सारा प्लान जो है चौपट हो जाएगा. तो हम जल्दी से पहुँचना चाहते हैं और अपनी ये जो 500 स्टेयर्स की हाइक है वो करेंगे. $67,000 का जो है ग्रैब का बिल आया है फ्रॉम आर होम स्टे टू मोआ व्यू पॉइंट. तो यहाँ से ही एंटर करते ही यहाँ से हमारी कार जो एंटर हुई और उसी के लेफ्ट में आपका जो है टिकट ऑफिस आ जाएगा. वन पर्सन. तो ये हमारा जो है यहाँ पे 2 लाख 2 लोगों के लिए आया, मतलब एक इंसान का 1 लाख का टिकट है. तो ये ही मोआ व्यू पॉइंट के साथ ही यहाँ पे इको लॉज भी है जहाँ आप रह सकते हैं और ये काफ़ी फेमस है. हमारे टाइम तक तो ये फुल बुक था और हमें लगता है जहाँ हमारा होम स्टे था वहाँ पे अच्छी लोकेशन है, सब कुछ आसपास है. यहाँ पे है जो है आसपास स्नैक शॉप्स भी है, आप हैट भी ले सकते हो, आइसक्रीम वाटर बॉटल वगैरह सब है.
तो हम अब जा रहे हैं मुआ केव की तरफ, जहाँ पे 500 स्टेप्स हमें चढ़ना है। यस, सुपर एक्साइटेड, सुपर पम्प। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हमने सुना है कि बीच में स्टॉप्स हैं, तो देखते हैं कैसा है और हम कितना कवर कर पाए, क्योंकि हम तो ब्रेक्स लेंगे अगर नहीं कवर होगा तो। राइट, पर आसपास भी जो हमारा ये भी शुरू हो गया सफ़र, बहुत ही सुंदर बना रखा है बीच पे, इसमें आपको फ़ोटो लेने का बहुत मन करेगा। रेस्टोरेंट भी है आपने, जिस रेस्टोरेंट की तो बात कर रही थी वो इधर ही है, कैक होम। अच्छा, ओह हाँ, तो अच्छा वो वहाँ से बता रहा होगा कि फिर तो वील सी, अगर हमारा मन करेगा और हम बहुत थक गए होंगे तो हम शायद से यहाँ पे खाना भी खा सकते हैं। एंड काफ़ी सुंदर है ये, बहुत सारे फोटोग्राफ के लिए प्लेसेस हैं। रेस्टोरेंट है आसपास। हाँ, स्टेयर्स आर ओल्ड एनिमी, हियर वी मीट अगेन। तो गाइस, हमने 2 बजे ये ट्रैक जो है वो स्टार्ट करी है, ये स्टेप्स के ऊपर चढ़ना है, लेट्स सी कब खत्म होगा। और आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल पसीना भी, तो शुरुआत ही और इतनी ह्यूमिडिटी के साथ, बारिश भी हो गई थी तो सूरज तो थैंकफुली नहीं है पर ह्यूमिडिटी बहुत है, तो अभी से ही हमारा जो है थोड़ा सा हालत खराब हो रही है। पर व्यू पॉइंट्स इतने सारे हैं बीच में फोटोग्राफी के लिए, तो देखते हैं कि हम 2 बजे शुरू करके एंड कब करते हैं। या बट वी विल ट्राई टू वॉक फास्ट। तो ये एक तरफ पगोड़ा का हम कर रहे हैं हाइक, और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ की जो स्टेयर्स है उससे जो है वो ड्रैगन लाइंग ड्रैगन माउंटेन है, वहाँ पे भी जाना है इसके बाद। तो गाइस हमें 2:15 हो गए हैं जो हम यहाँ पहुँचे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत टाइम लगा है। हाँ, 15 मिनट ही लगा, पर बहुत धूप है और जो कितना पसीना आ गया है, लेकिन यहाँ पे तो लोग इतना सच के आए, इतने अच्छे अच्छे कपड़ों में आए, इतने अच्छे लग रहे हैं। Look, she looks so pretty in her attire. So beautiful. So beautiful. You are from here, Vietnam? Vietnam. Really sweet people we met here who are fanning us. हमें fan कर रहे हैं. Thank you so much. कितने sweet हैं. Nice meeting you guys. यहाँ पे कुछ जगहों में लोगों ने कूड़ा rocks पे डाल रखा था, so please guys travel responsibly and कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकिए. अब जो है हमारा वो पगोडा वाला हो चुका है, हमें वैसे लगा कि ज़्यादा हमने टाइम नहीं लिया और अच्छा ट्रैक है, सिंपल है, थोड़ा सा ये है कि स्टेयर्स इतनी थोड़ा अनइवन सी है तो ध्यान से चलना है। हाँ, लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ के फोटो खिंचा रहे हैं भाई, तो लोगों की डेडिकेशन सही में काफ़ी शायद, या तो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स होंगे, हम तो उनके सामने बहुत ही मतलब अभी बहुत ही प्लेनली ड्रेस्ड है। तो अभी जो ये जो स्टेयर्स हमारे पीछे जा रही है वो ड्रैगन माउंटेन के लिए है, दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। सो लेट्स शो यू दिस साइड एज़ वेल। ये जो ट्रैक है ये बहुत ही मुश्किल है। यस, ये बहुत डरावनी भी है और थोड़ा बहुत आपको हाथों से आना पड़ेगा नीचे जाते हुए, क्रॉल करके आना पड़ेगा। हाँ, जैसे वो वाला ट्रैक थोड़ा ईजी था जो पगोडा वहाँ पे दिख रहा है, ये भी बट वी मेड इट। Lying Dragon Mountain. So guys, हम लोगों ने अब final जाना आना सब जो है I think 2 घंटे कुछ में complete किया, क्योंकि हमने 2 बजे start किया था और अब almost 4 बजने वाले हैं। अभी 3:50 हो रहे हैं और हमारा ट्रैक जो है ख़त्म हो गया है, उसके आने के बाद हम उसके सराउंडिंग थोड़ा सा चेकआउट कर रहे हैं, जहाँ कुछ वाटरफॉल है और मुआ केव जो है लिखा हुआ है। राइट, काफ़ी सुंदर है, पूरा सराउंडिंग ही बहुत सुंदर है, इसलिए यहाँ पर रिजॉर्ट भी अच्छा लगता है। इसके बाद हम कुछ खाएंगे, और इनफैक्ट जब हम आए थे 2 बजे तब कम भीड़ थी, अभी जो है काफ़ी भीड़ हो गई है, लोग सनसेट देखने भी जाते हैं ऊपर, बट आई थिंक ये जो टाइम है 2 बजे का दैट्स द बेस्ट। ये लिखा है मुआ केव और पीछे वाटरफॉल, वी हैव मेड इट। तो इस वाटरफॉल के साथ ही उसके बगल में ही कुछ केव की भी है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि क्या है एक्चुअली। तो ये 2 रास्ते हैं कुछ केव्स के, एक इधर और एक इधर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग से लग रहे हैं, जैसे हम लोग बोट राइड में गए थे उसका वो। हाँ, बस ये वॉकिंग वर्जन है। नेहा राम से,
सो गाइस हमारी गलती से सीखिए, अंदर थोड़ा आराम से चलिएगा, अपने सर को थोड़ा सा बचा कर। हमारे ट्रैक का फाइनल डेस्टिनेशन, लाइट देखिए, धूप दीजिए, अभी अच्छी लग रही है, मुंह बिल्कुल जल चुका है एकदम, विदाउट एनी फिल्टर। यहाँ पे पकौड़े ही पकौड़े हैं और हम दो पकौड़े बन चुके हैं। हाँ, लेकिन यहाँ वाटरफॉल भी था तो वहाँ पे थोड़ा सा शॉर वार ले लिया है। हाँ। इतने ट्रैक के बाद वर्थ इट, इट्स रियली नाइस। केव से बाहर निकलकर हमको ये प्यारी सी लड़की मिली जिसके पास इतनी क्यूट कैट थी, एंड शी लेट अस प्ले विद द कैट, एंड उसने हमें अपने घर हनोई भी इनवाइट किया, विच वाज सो स्वीट। विल ट्राई मे बी नेक्स्ट टाइम, एंड देन वी फाउंड दिस ब्यूटीफुल स्विंग्स विच वर देयर इन द सराउंडिंग्स, सो काफ़ी सुंदर है सब कुछ। गाइज ये देखिए, यहाँ पे इतना बड़ा फील्ड है जहाँ पे लोटस हो रहे हैं। इनफैक्ट आप ऊपर जब हाइक पे जाओगे तो आपको ऊपर से यहाँ दिखेगा कुछ एस शेप सा, ऐसा लगेगा स्नेक्स की ब्रांचेस टाइप ऐसा लग रहा है। तो ये पूरा लोटस फार्म है यहाँ पे, और यहीं से ये मखाने भी बना रहे हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सारी आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ आना तो बिल्कुल बनता है, इसको मिस मत करना। ये आपको राइट हैंड साइड में मिलेगा एंटर करते हुए, और हाइक के बाद आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। You are from Vietnam? Vietnam. You guys look beautiful. तो अभी हम वहाँ का केव से निकले हैं, लेकिन हमने ग्रैब बुक करने की कोशिश करी पर वो कोई सर्च नहीं कर पा रहा था। लेकिन वहाँ यहाँ से कुछ रास्ते में टैक्सी बीच में आती रहती है शायद, तो हमें थैंकफुली एक टैक्सी मिल गई है जो मीटर से ले जा रही है। Let's see कितना आता है और कितना डिफरेंस है। तो ये जो मीटर इनका चल रहा है, ये स्टार्टिंग था 17,200, तो ये ऐसे बढ़ते जाएगा और हमें यहाँ से प्राइस पता लगेगा। तो गाइज हम थोड़ा सा डेस्टिनेशन से पहले ही उतर गए क्योंकि उनका मीटर बहुत ही फास्ट चल रहा था। बहुत महंगा था यार, उसने मतलब उसका मीटर भागे जा रहा था और उसने हमसे 1.60 हो गया था, जबकि हम गए थे वहाँ पे 67 पे। हाँ। हमने डिसाइड किया कि बस हेलो नो। अभी हमें हमारी होम स्टे वाली मिल गई थी, हमने उसको जब प्राइस भी बताया तो उसने बोला जाते हुए तो हमें काफी सस्ता मिल गया। हाँ, बोले तो यूजुअली 100 का मिलता है, दोनों तरफ का देखो तो हमारा 2 लाख लग जाता है, 2,17,000 लग गया। तो हम थोड़ा सा इतना डर गए थे क्योंकि जाने में हमारा इतना चीप था, क्योंकि ऑब्वियसली वो ग्रैब थी। अभी जो हमने टैक्सी बुक करी जिसका ऑलरेडी स्टार्टिंग पॉइंट 17,000 था, तो यहाँ तक तो करेंसी समझ नहीं आती। प्रॉब्लम ये है ना कि यार अभी क्या होता है, यूजुअली किसी जगह में घूम लेते हैं हमें वहाँ के लोगों का थोड़ा पता चल जाता है अभी कि कैसे लोग होते हैं। अब यहाँ पे इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ तो हमें लगता है ये लोग सच्चे हैं, जेन्युइन, बिकॉज़ हम तो जेन्युइन हैं, हम दे देंगे पैसा, हम एक्चुअली भी वॉक करते हैं ना जेन्युइन। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम था कैब का था, तो बेचारा उससे तो हमें 10 का डिस्काउंट ही दे दिया, तो हमारा सब सही हो गया। यहाँ पे जो है हर कोई बड़ा ही एक्टिव है, और क्लासेस चल रही है मेरे ख्याल से, इनकी डांस क्लासेस चल रही है। इतना अच्छा है, इतना टेंडर है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत टेस्टी इसमें एक फ्लेवर है, तो वो इस सॉस के साथ और राइस के साथ बहुत अच्छा है। तो राइस जो है हमें मिलते हैं, मतलब सभी को फ्री मिलता है यहाँ पे, तो हमें एक और प्लेट ऑफ राइस हमें फ्री दे दिया। यहाँ वेजिटेरियन ऑप्शंस भी है। और बारिश हो रही है अभी, लेकिन अभी मज़ा आ रहा है क्योंकि क्योंकि ऐसा है कि हमें कहीं घूमना नहीं, कोई एजेंडा नहीं, सब घूम लिया हमने, काफ़ी रिलैक्स किया, हमने ज़्यादा वॉक भी नहीं किया एक्सेप्ट द हाइक जो हमने स्टेप्स चढ़े हैं, पर वैसे तो बोट में भी हमने रिलैक्स किया है, हर जगह हमने रिलैक्स ही किया है। तो गाइस अभी हमने अपने होम स्टे से हाइक शुरू कर दी है, बिक डोंग, बिच डोंग पगोड़ा, बिच नहीं होगा, बिक होगा कुछ, बिक होगा बिग डोंग पगोड़ा के लिए। तो हाइक में गूगल मैप से हमें दिखा रहा है कि ये 30 मिनट्स दूर है, तो हम पैदल ही चल के जा रहे हैं, आप बाइक या साइकिल में भी जा सकते हैं। और क्योंकि ये पगोड़ा है तो आपने आपको कवर अप करने के लिए इनके साथ कुछ रिवीलिंग या छोटा पहन रहे स्कार्फ या कुछ लेके जा सकते हैं। राइट, और 1 बजे हमने शुरू किया, देखते हैं कितने बजे हम पहुँचते हैं।
तो हम लोग पहुंच गए हैं, दूर नहीं था और इनफैक्ट रास्ता बहुत ही सीन है कि आसपास इतनी ब्यूटी है। तो चलने के लिए तो हम ही लोग थे, काफ़ी लोग कार्स और बाइक्स और उसी में आए हैं, पर हाँ गर्मी है तो था ऐसा, पर वैसे बहुत ब्यूटीफुल। और ये है पीछे पगोडा, वर्थ इट है कम्प्लीटली, मतलब यहाँ पर आना बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगेन लोटस फील्ड्स हैं और ये सुंदर सा पगोडा आपको पीछे दिख रहा है, अब उसके अंदर हम एंट्री करेंगे और इस ब्रिज में आप फोटोज खिंचा सकते हैं। चमकादड़ बैट्स की आवाज। अभी जहाँ पे हम केव से आए वहाँ पे बहुत सारे बैट्स थे, तो आपको थोड़ा ख्याल देना होगा। मैं तो देखिए टोपी पहनी हुई थी, हमारे वीडियो में बैट्स की आवाज़ें आ रही थी, इतने सारे बैट्स हैं, लेकिन सुंदर केव से। अब यही स्टेयर नीचे जानी है गाय। आज हम दोबारा अपने जिया बाओ रेस्टोरेंट में आए हैं और हमने स्मूदीज मंगाई है, ये एवोकाडो स्मूदी और ये मैंगो पाइनएप्पल एंड पैशन फ्रूट स्मूदी, और बहुत ही यम्मी हो रही है गर्मा गर्म मौसम में। और ये तो बिल्कुल ऐसा, मैं कस्टर्ड पी रही हूँ, इतनी अच्छी है, डिलीशियस, आई हैव टू ट्राई दिस एट होम। और ये दोनों 40,000 वियतनामीज डॉन्ग टू ईट, तो टोटल 80,000। हमारा लास्ट डे था निनबिन में एंड वी वांटेड टू ईट अगेन एट द फैमिली रेस्टोरेंट। हमने पोर्क नूडल्स मंगाए, टोफू मंगाया जो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वेजिटेरियंस के लिए, एंड ऑफ कोर्स उन्होंने हमें राइस दिए एंड दिस अमेजिंग सॉस, एंड इट वाज अगेन अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। बोट राइड के सामने ही ये रेस्टोरेंट है जिया बाओ, जिसको सिया बाओ, जिसको हम सबसे जिया बाओ बोल रहे हैं, जहाँ मनी एक्सचेंज भी हो जाता है, एटीएम की फैसिलिटी भी है और यहाँ पे टूर्स भी बुक होते हैं। इनफैक्ट जो हमने दिनांग के लिए बस ली है वो 5 लाख की ली थी, यहाँ पे 3.5 की मिल रही है। रेलवे स्टेशन से ली थी, तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे आ जाओ तो आपको डिस्काउंटेड मिलेगा। और अब हम यहाँ से टैक्सी ले रहे हैं जो हमें 80,000 की मिल रही है, तो ये चीपेस्ट है यहाँ पे। तो ये हमारी कार अरेंज हुई थी और अभी हम जो है रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और अपोजिट डायरेक्शन में ये बस जो है हमारी स्लीपर बस खड़ी हुई है। तो हमने बैग जो है अंदर रख रहे हैं। ओके चेक इन। थैंक यू। तो ये जो है यहाँ की स्लीपिंग बस है, बहुत ही कूल लग रही है, के चूलो टाइप्स। सो अब हम निकल पड़े दनांग के लिए, विच इज़ अगेन एन अमेजिंग सिटी। इसका व्लॉग आने वाला है नेक्स्ट। निनबिन की वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। इसका टोटल खर्चा पर पर्सन का रहा 11,055।